आप लोग शायद एक ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर रहे थे, उसको भेज तो मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम था, क्या आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा उस? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पिंटू ने पूछा था, पिंटू को जानते हुए तुम लोग। हाँ, JIT के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उर्फ संदीप वर्मा। और आगे अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन शेयर कर दो, क्या था? शायद इसी टाइप का था क्या कुछ, कलर्स इक्वल्स टू समथिंग रेड ब्लू व्हाट एवर, जो भी है, रेड ग्रीन ब्लू एंड मे बी एस येलो। सपोज दैट आपके पास फोर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लिस्ट अवेलेबल है, राइट? पहले तो एक बार मैं जस्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ, यही कोड था या डिफरेंट कोड था? देन समथिंग फॉर लूप सी इन कलर्स कॉलन इफ कंडीशन टेस्टिंग सी इक्वल इक्वल आई थिंक ब्लू, देन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ब्रेक दिस लूप। उसके बाद क्या था, प्रिंट एवरी टाइम सी। एक बार कंफर्म कर लो यही कोड था या डिफरेंट, मैच कर लेता हूं जरा। चलो येलो की जगह ऑरेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है ये ऑप्शनल है पाइथन के अंदर, आप चाहो तो यूज करो। यूज करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा। स्ट्रिंग पाइथन के अंदर सिंगल कोट में भी हो सकता है, डबल कोट्स में भी हो सकता है, इनिशियली में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और तो कुछ है नहीं, ऐसा ही कुछ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही कोड होना चाहिए, जस्ट समथिंग लाइक दैट। वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, सिंटेक्टिकली और सिमेंटिकली सेम है, राइट? वैसे तो अभी तक मैंने ना ही आपको इस लाइन के बारे में कुछ भी डिस्कस किया है, ना ही फॉर लूप के बारे में कुछ डिस्कस किया है, ना ही इफ एल्स के बारे में, राइट? कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। इनसे क्वेश्चन अभी पूछने का अपन को हक है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट कुछ लोगों को हो सकता है पाइथन का बेसिक आइडिया है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, जस्ट वो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? बाकी कुछ लोगों को अगर इनिशियली समझ में नहीं आता है, फिर से बोला क्वेश्चन केवल उन लोगों के लिए जिनको पाइथन का थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है, जो कहीं ना कहीं से टूटा फूटा पाइथन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन, अगर इस सिंटेक्स को देखा जाए तो हो सकता है कुछ लोग इस स्टेटमेंट को कंसीडर कर रहे हो जस्ट लाइक अ एरे, राइट? मतलब अगर जिनको आइडिया नहीं है, उन लोगों ने सोच लिया हुआ कोई पाइथन में एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है। याद रखना पाइथन में एरे क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाइथन ने आपके लिए एरे से भी अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। वो तो जब अपन मैं फर्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट क्लास अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला, प्रैक्टिकल में पहले मैं डिस्कस करूंगा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग इनिशियली पाइथन में जितने भी 14 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, सारे डेटा टाइप डेप्थ में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टॉपिक स्टार्ट होंगे, एट दैट टाइम आपको ये लाइन कवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप बोल सकते हो दैट इज अ लॉजिकली दैट इज अ लिस्ट ऑफ कलर्स, एक टाइप से लिस्ट है। अगर आप में से कोई भी जावा प्रोग्रामर है जो जावा पढ़ चुके, जावा के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ कलेक्शन फ्रेमवर्क। और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर जो कि सप्लाई किया करता है लिस्ट सेट लाइक दैट। तो सिमिलरली पाइथन भी इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को रेडीमेड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जो करेंटली आप जो सिंटेक्स देख रहे हो एक्चुअली लिस्ट का सिंटेक्स है। इस लिस्ट में फर्स्ट आइटम क्या है, कलर रेड। आपने जो क्वेश्चन पूछा वहां पर ऑर्डर शायद इस टाइप का है, तो सेम ही ले लेता हूँ। लास्ट केस में जस्ट कलर इन्फॉर्मेशन एज ऑरेंज, यही है।
फॉर लूप यहाँ पर एक्चुअली फॉर ईच टाइप का लूप है। ये क्या करेगा, सी के फॉर्म में वन बाई वन इस डिटेल्स को रीड करेगा। पहले तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जस्ट इंडेंटेशन, राइट। इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग आपने देखा था सी सी प्लस प्लस जावा में कोई भी लूप या इफ एल्स स्टेटमेंट या तो फर्स्ट सेमी कॉलन से ब्रेक होता है या फिर कर्ली ब्रेसेस से, लेकिन इस कोड में ना ही कहीं सेमी कॉलन है ना ही कर्ली ब्रेसेस है। पर आपको पता कैसे चलेगा कि कहां से कहां तक लूप का बॉडी स्टार्ट हो रहा है, कहां पर फिनिश हो रहा है, राइट। तो पाइथन के अंदर सब कुछ इंडेंटेशंस के फॉर्म में होता है। जितने भी पॉसिबल यहाँ केसेस हैं, मैं केवल इसी का आउटपुट नहीं बताऊँ, और भी कुछ अदर पॉसिबल केसेस होंगे इंडेंटेशंस के अकॉर्डिंग, उसको भी चेक कर लेंगे। फर्स्ट वन, एक तो कोड इस टाइप से गिवन है, दूसरा कोड हो सकता है इस टाइप से फॉर्म हो, जस्ट लाइक दैट वे, जहां पर प्रिंट टैब से पहले कोई स्पेस नहीं है, राइट। यहां पर आप देख पा रहे हो अगर कोई स्टेटमेंट सेम अलाइनमेंट्स में सेम इंडेंटेशन है या सेम प्लेसेस पर अवेलेबल है, वो स्टेटमेंट हमेशा सेम ब्लॉक का पार्ट कंसिडर होंगे, राइट। तो यहां पर आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि प्रिंट टैब इफ के अंदर है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो प्रिंट टैब लूप के अंदर है, हो सकता है आपको लग रहा हो प्रिंट टैब लूप के बाहर है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं लूप के पहले जस्ट स्पेस है, उसके बाद क्या आया, इफ इफ का आई। तो इफ और ये प्रिंट टैब ये दोनों लूप का पार्ट है, मीन्स आप बोल सकते हो दैट इज द बॉडी ऑफ दिस फोर लूप का बॉडी पार्ट है, राइट। पाइथन के अंदर इक्वल इक्वल से स्ट्रिंग को कंपेयर करना लीगल है। जनरली कंपैरिजन के लिए आपके पास पाइथन में टू ऑपरेटर्स हैं, एक तो इक्वल इक्वल और दूसरा इज ऑपरेटर। इज इक्वल इक्वल कंपैरिजन मींस व्हाट, जस्ट वैल्यू कंपैरिजन और कंटेंट्स कंपैरिजन। इज ऑपरेटर से कंपेयर करोगे तो हमेशा कंपैरिजन किसका होगा, रेफरेंस और एड्रेसेस का, ठीक है। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज कंपेयर हो, नो डाउट लॉजिकली समझ सकते हो, जिनको आइडिया नहीं है वो भी जस्ट रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें। फर्स्ट वन आपको पता है फॉर लूप चलेगा, सी क्या करेगा, सी कलर में से वन बाई वन लिस्ट ऑफ कलर में से वन बाई वन कलर्स को रीड करेगा। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लॉजिकली सी के अंदर कौन सा कलर इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगा, रेड। सी में रेड है, रेड इक्वल इक्वल ब्लू इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो ब्रेक को चांस मिला क्या, नहीं। फिर उसके बाद इफ के बाद लूप के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, प्रिंट है। तो अभी ये प्रिंट है लूप के अंदर ही कंसीडर होगा। सी का वैल्यू क्या, रेड, तो फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हो प्रिंट क्या हो चुका है इससे, रेड। फर्स्ट टाइम कलर क्या प्रिंट हो जाएगा, जस्ट रेड, राइट। लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो उसी वेरिएबल सी के अंदर सेकेंड टाइम क्या कॉपी हो जाएगा, नेक्स्ट कलर एज ब्लू। यहाँ कंपेरिजन ब्लू से कराया था, ग्रीन से था, आई थिंक ग्रीन से था, तो मैंने इनका ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया। चलो इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग जस्ट एडम कर लेना क्या लिखा है यहाँ पर, जस्ट ग्रीन लाइक दैट, कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये ब्लू ग्रीन से कंपेयर होगा तो अगेन फॉल्स, फॉल्स है तो फिर से प्रिंट को चांस मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम कौन सा कलर प्रिंट हो जाएगा, जस्ट ब्लू, और जो भी है करंटली, ठीक है। थर्ड टाइम इस सी में क्या कॉपी होगा, ये लूप लॉजिकली इस टाइप से बिल्डअप किया गया है, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को वन बाई वन इटरेट करेगा। नेक्स्ट टाइम ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन की केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ब्रेक को चांस मिलेगा, ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को डायरेक्टली लूप से बाहर सेंड कर देगा। नेक्स्ट टाइम ये लूप इटरेट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ओनली रेड एंड ब्लू, दैट इज द फर्स्ट केस। लेकिन अब इस टाइप से अगर प्रिंट टैप है तो यहाँ पर इस लूप के बॉडी पार्ट में ओनली कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर होगा, ओनली इफ एंड ब्रेक। ये इफ और ब्रेक तो लूप के अंदर है, लेकिन प्रिंट एफ लूप के बाहर है। तो आपने प्रीवियस केस में देखा होगा लूप से कंट्रोल जब बाहर आया था तो कंडीशन ट्रू कब हुआ था, जब सी के अंदर ग्रीन था। तो आप श्योर हो जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो 100% सी में करंटली क्या, ग्रीन। तो इसलिए इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, ग्रीन ओनली। आप बोलो सर इसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि ये सी वेरिएबल तो लूप के अंदर डिक्लेयर हुआ था और आप यूज कर रहे हैं आउटसाइड लूप। पाइथन में ये पॉसिबल है, पाइथन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल लोकल ब्लॉक में या फिर किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर डिक्लेयर किया है तो उस लोकल वेरिएबल्स को उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना लीगल है। ये सब कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो आपने जो कोड शेयर किया था उसके बिहाव पर जस्ट मेरा सॉल्यूशन है। अगर आप कोई चेंजेस करके पूछना चाहो बोलो, कुछ अदर है और कुछ पूछना है क्या इसमें।
ठीक है, फिर कंटिन्यू करें। ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे, इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम लोगों को, समझ में नहीं आता। स्टेप वाइज पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट वन। तो लास्ट टाइम मैंने रिसेंटली पाइथन के 5 फीचर्स कंप्लीट कर दिए, तो नेक्स्ट फीचर क्या पाइथन का देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर के अकॉर्डिंग पाइथन कैसा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज पोर्टेबल, तो आप बोल सकते हो पोर्टेबल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप पाइथन के सोर्स कोड को डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स में टेस्ट करोगे तो इसके रिजल्ट सेम आएंगे या डिफरेंट, ऑलवेज सेम रिजल्ट्स। देयरफॉर वी कैन से पाइथन इज पोर्टेबल, सिंपल एंड इजी, कोई भी सीख सकता है। इसके सिंटेक्सिस काफी सिंपल है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। यहाँ पर एक और केस देखते हैं, जैसा कि आपने देखा हुआ है इन केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल है। मैंने जस्ट राइट डाउन किया 10 > 9 > 8, सी सी प्लस प्लस और जावा, इसका रिजल्ट क्या आता है। सी में बात की जाए तो पहले 10 और 9 का कंपैरिजन होगा, जो कि रिजल्ट क्या देगा, जस्ट ट्रू। ट्रू मींस व्हाट, 1। सी में ट्रू का मतलब क्या होता है, तो 1, इसलिए 1 आ जाएगा। 1 8 से कंपेयर हुआ, दैट्स व्हाई रिजल्ट इज फॉल्स। यही होता था किसमें, जस्ट सी लैंग्वेज, जैसा कि आपने टेस्ट किया हुआ सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10 > 9 > 8 मीन्स फॉल्स आएगा, फॉल्स मीन्स 0। जावा में टेस्ट करोगे तो जावा में इटसेल्फ क्या है, कंपाइल टाइम एरर। रीजन 10 > 9 > 8, पहले 10 > 9 का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, और ट्रू बूलियन की कैटेगरी को बिलोंग करता है, बूलियन को इंटीजर से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं, दैट्स व्हाई रिजल्ट इज सॉरी कंपाइल टाइम एरर। अगर आप इसी कोड को पाइथन में टेस्ट करते हो तो पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन मोस्टली क्या करता है, सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए जो लोग तुक्के लगाते हैं। कि तुक्के किसके बेसिस पर लगाए जाते हैं, जो आपको फिजिकली दिख रहा है, जैसा आप उनको दिखता है अपने उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ बाइनरी फॉर्म में होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, तो कई बार जस्ट अपने तुक्के गलत हो जाते हैं। पाइथन क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आप तुक्के लगाना स्टार्ट करो, उनको सही करना मेरा काम है, राइट। क्या रिजल्ट आना चाहिए पाइथन के अकॉर्डिंग, याद रखना, पाइथन में जब टू वैल्यूज को कंपेयर करो तो रिजल्ट 0 और 1 में ही आता है। क्या बोलोगे, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होना चाहिए। अभी मैंने नहीं पढ़ाया नो डाउट, लेकिन इतना तो सबको आता है ना, कंपेरिजन। व्हाट विल यू से, यहां पर क्या रहता है, फिर से समझो, 10 > 9 मींस ट्रू, और ट्रू का रिजल्ट 1 कंसीडर हुआ, तो नेक्स्ट लेवल पर जो कंपैरिजन हुआ 1 > 8 होगा। फिजिकली अपनों को ऐसा लग रहा है 9 > 8, लेकिन हुआ क्या, 1 > 8, और 1 के साथ आप कंपेयर करो तो फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स और 0 something, राइट। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करता है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है ये। क्या बोलेगा, कंपैरिजन में जितने भी कंपैरिजन आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर 1 by 1 इन कंपैरिजन को आप चेक करते हो, 1 by 1 इंडिविजुअली, अगर सभी कंपैरिजन ट्रू है तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट ट्रू। पर एक भी कंपैरिजन फॉल्स है, इफ एनी कंपैरिजन गिविंग फॉल्स रिजल्ट, द रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स। मतलब सी जावा के अंदर आप जस्ट एसोसिएटिविटी रूल्स के बेसिस पर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते थे, लेकिन पाइथन में जस्ट इंडिविजुअली सारे केस चेक कर लो, 10 > 9। एक मिनट वेट करना।
कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, जस्ट फर्स्ट केस चेक करो, 10 ग्रेटर देन 9 आपको क्या लग रहा है, जस्ट ट्रू हो। सेकंड केस में इंडिविजुअली देखा जाए 9 ग्रेटर देन 8, ये रिजल्ट भी कैसा है, ट्रू। अगर सारे कंपैरिजन ट्रू है देन ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू। और पाइथन में अगर कोई रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वहां आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, जस्ट ट्रू 8 क्या आ रहा है इस केस में, ट्रू। ठीक है, अभी मैं करेंटली इस कोड को कंपाइल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो टूल यूज कर रहा हूँ, इस टूल को क्या बोला जाता है, IDLE। क्या है IDLE? IDLE किस टाइप का टूल है, रैपल टूल, रैपल। ये सब कुछ सारे टर्मिनोलॉजी क्या है, यूज करने का भी क्या हुआ, पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ साथ सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एग्जिट। नेक्स्ट, जैसा कि आपने देखा पाइथन काफी सिंपल है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सिंटेक्टिकली बहुत रेयर केस में मिस्टेक्स आते हैं। फ्रीवेयर, ओपन सोर्स कंप्लीटेड है, डायनेमिक टाइप ये सब को था, एक डेटा टाइप फ्री लैंग्वेज है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, इसलिए क्या डायनेमिक टाइप। इंटरप्रेटेड का भी मीनिंग डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट टाइप है एक्सटेंसिबल, व्हाट आई मीन बाय एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं। आई थिंक ये सीक्वेंस मैंने कोई रॉन्ग ऑर्डर ले लिया क्या, सिंपल और इजी टू लर्न को मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, जस्ट एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। व्हाट इज मीन बाई एक्सटेंसिबल, राइट। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप कोई सी का प्रोग्राम यूज कर रहे हो, जस्ट सी प्रोग्राम, दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ सी। सी प्रोग्राम के अंदर आप जो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हो, मींस आप जो कोड राइट कर रहे हो, ये कोड किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ओनली अलाउड टाइप स्टेटमेंट्स आर और शुड बी सी टाइप। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सी के सिंटेक्सिस को फॉलो करना चाहिए, मींस सी के साथ साथ अपने लिए, मतलब आपने कुछ कोड राइट किया सी कोड, इसी में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, देन अगेन मैं लास्ट में क्या राइट कर रहा हूँ, जस्ट कोड ऑफ सी। Another statement also written by using C language like that. मैं कहता हूँ जस्ट सी प्रोग्राम के साथ साथ मुझे कुछ पार्ट इसका जावा में या PHP में राइट करना है, इज इट अलाउड और नॉट। सी लैंग्वेज टाइप का परमिशन देता है क्या, मीन्स सी प्रोग्राम के साथ साथ जावा कोड राइट करना पॉसिबल है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको पता है सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सॉरी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, जावा कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा में एक स्टेटमेंट यूज होता है मोस्ट कॉमन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या ये कोड सी प्रोग्राम के साथ ऐड करना पॉसिबल है क्या, नहीं, राइट। सेम है जावा, जावा के केसेस में भी अगर बात कर रहे हैं, जावा प्रोग्राम के अंदर केवल जावा कोड राइट करना पॉसिबल है। जावा प्रोग्राम में कभी भी सी का या किसी अदर लैंग्वेज का, मीन्स अदर लैंग्वेज इन द सेंस नॉन जावा कोड, जावा प्रोग्राम के अंदर नॉन जावा कोड अलाउड है क्या, नहीं। दिस इज जावा प्रोग्राम, सम जावा स्टेटमेंट्स और जावा कोड लाइक दैट। लेकिन इस प्लेस पर सी का कोड या फिर सी प्लस प्लस कोड अलाउड है क्या, या फिर पाइथन कोड नॉट अलाउड। मीन्स देखा जाए तो एक टाइप से फीचर हो सकता है कुछ कुछ ही लैंग्वेज में हो, मुझे आइडिया नहीं है कि इस टाइप का फीचर जो पाइथन के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में है कि नहीं, लेकिन सी या सी सी प्लस प्लस जावा के लिए श्योर हूँ, दिस फीचर नॉट सपोर्टेड बाई जावा, राइट। ना ही आपके लिए सी का कोड राइट करना पॉसिबल है, ना ही सी प्लस प्लस और ना ही पाइथन कोड। जावा के अंदर कभी मीन्स इस कंप्लीट कोड को आप क्या बोलोगे, जस्ट एज अ दिस कोड इज नथिंग बट जस्ट नॉन जावा। जावा प्रोग्राम के अंदर केवल जावा कोड राइट करना पॉसिबल है, ना कि नॉन जावा कोड। कुछ केसेस में देखा जाए तो जावा का कोड आपके लिए, अगर एग्जैक्टली देखें, अगर आप जावा प्रोग्रामर हो आप में से कोई, तो जावा के अंदर जो नॉन जावा कोड है कुछ केसेस में रियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिकॉज जावा सपोर्ट्स नेटिव मेथड्स। आपने कीवर्ड देखा वो नेटिव, नेटिव डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग जावा में भी नॉन जावा कोड मिक्सअप करना पॉसिबल है, लेकिन जस्ट मैं डायरेक्टली रेगुलरली बात करूं, नॉट सपोर्टेड, दैट्स इट। ठीक है, नॉट अलाउड।
लेकिन अगर आप पाइथन प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, पाइथन कोड राइट कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप पाइथन प्रोग्राम के साथ जो लॉजिक्स राइट कर रहे हैं वो लॉजिक्स पाइथन में तो हो सकते हैं। मीन्स सारे के सारे सिंटेक्सिस किसके होना चाहिए? पाइथन के। मीन्स दिस इज पाइथन कोड। पाइथन प्रोग्राम में नॉन पाइथन या नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी यूज करना पॉसिबल है। दिस फीचर इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई पाइथन। ये जो नॉन पाइथन कोड है हो सकता है सी में हो, राइट? जैसा कि आपको पता है पाइथन कोड के साथ सी को भी मिक्स किया है। कुछ पर्सन ने पाइथन के साथ जावा कोड राइट करके जस्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, जायथन और जावा पाइथन, सेम एज आयरन पाइथन। तो आयरन पाइथन के साथ कोड कौन सा ऐड किया गया? सी साथ कोड। तो इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकली आप श्योर हो पाइथन कोड के साथ नॉन पाइथन कोड ऐड करना पॉसिबल है? इसका एडवांटेज क्या वो भी देखते हैं, ठीक है? कि अब नॉन पाइथन का मतलब मे बी सी कोड, सी प्लस प्लस, जावा एंड एनीथिंग, जावा सी साथ वाट एवर। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उसके कोड के साथ साथ कुछ नॉन रिलेटेड कोड को या अदर लैंग्वेज को परमिशन देता है, परमिट करता है, तो इस फीचर को आप ऑलवेज क्या बोलते हैं? जस्ट एक्सटेंसिबल। आपको पता है पाइथन इस टाइप का परमिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए पाइथन को आप बोल सकते हो पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अब इसका एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, दिस इज सम बैंकिंग प्रोजेक्ट। जनरली देखा जाए तो पाइथन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है? या फिर इस टाइप से समझो बैंकिंग नहीं, अब जस्ट आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सम शॉपिंग एप्लीकेशन लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट लाइक दैट। जनरली ये शॉपिंग एप्लीकेशन के लिए सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है आगे अपन पढ़ने वाले हैं, राइट? जस्ट कोई एप्लीकेशन है, एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ जो आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल हो, ठीक है? सम शॉपिंग साइट और समथिंग मार्केटिंग वेबसाइट है, जस्ट मार्केटिंग वेबसाइट। मार्केटिंग वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर सपोज दैट ये एप्लीकेशन डेवलप किया है बाय यूजिंग पाइथन। किसके थ्रू डेवलप किया गया? यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पर जो मोस्ट टॉप कोड है पाइथन में राइट किया गया है। तो यहाँ पर कई सारे लॉजिक्स होंगे, दीज लॉजिक्स आर रिटन बाय यूजिंग पाइथन कोड। इसी मार्केटिंग में सपोज दैट आपको एक मॉड्यूल रिक्वायर्ड है समथिंग एसएमएस, राइट? इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जस्ट टेक्स्ट एसएमएस सेंड करना चाहते हो, तो एसएमएस सेंड कैसे होना चाहिए, डिलीवरी रिपोर्ट कैसे प्रोवाइड होगा? टू चॉइस है, या तो एसएमएस टाइप का जो मॉड्यूल है आप पाइथन में इसके लिए भी लॉजिक्स राइट करोगे लॉजिक्स यूजिंग पाइथन, एक तो फर्स्ट चॉइस आपके पास ए है। दूसरा चॉइस क्या है, हो सकता है कि एसएमएस टाइप का फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब ये मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, या एसएमएस सेंड करने के लिए मैनेज करने के लिए ऑलरेडी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, सब मॉड्यूल अवेलेबल है जो कि हो सकता है जावा के थ्रू रिटन हुआ हो, मींस अदर देन पाइथन और नॉन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है? इन दैट केस दो चॉइस है आपके पास, या तो ये कोड आप खुद से पाइथन में राइट करो नया कोड, जब इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है, मतलब अगर सेम रिक्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी आपके पास कोई कोड अवेलेबल समथिंग इन अदर लैंग्वेज, तो आप सिर्फ अपना लॉजिक क्यों राइट करोगे? इस पाइथन कोड के साथ आपके लिए नॉन पाइथन कोड मर्ज करना पॉसिबल। दिस फीचर इज नोन एज एक्सटेंसिबल। क्या बोलो इसको? जस्ट एक्सटेंसिबल। क्लियर है सबको? ये सब कुछ प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा ये सब आगे देखेंगे, जस्ट अभी एज ऑफ नाउ आपको एज अ फीचर्स क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्या? ओके। वॉट इज मीन बाई एक्सटेंसिबल? इन साइड पाइथन एप्लीकेशन, इन साइड पाइथन एप्लीकेशन वी कैन राइट ब्लॉक ऑफ कोड यूजिंग नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी, यूजिंग नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी। देयर फोर
वी कैन से पाइथन इज एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। पाइथन कैसा है? जस्ट एक्सटेंसिबल, मीन्स पाइथन कोड के साथ किसी भी टाइप का कोड ऐड करना पॉसिबल। इस फीचर का एडवांटेज क्या, फिर से समझो, मैं जस्ट प्रोग्रामिंग लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बिग लेवल पर कोई प्रोजेक्ट पर, किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, तो पाइथन में अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो सकता है उसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आए जिसका कोड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो कोड पाइथन में नहीं है, हो सकता है सी में, हो सकता है जावा में, हो सकता है पीएचपी में, राइट। तो नॉन पाइथन कोड को भी पाइथन प्रॉब्लम है पाइथन एप्लीकेशन के साथ ऐड करना पॉसिबल है। ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली पाइथन वाला जो सोर्स फाइल है उसी में ऐड करोगे। ऐड करने का मीनिंग क्या है, जो आप प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट वर्किंग है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्रोसेस रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, जस्ट एक सिंगल फाइल में डेवलप नहीं होता है कोई प्रोजेक्ट। जैसे आप सी प्रोग्राम बना रहे हो, जस्ट लाइक ए डॉट सी, तो वहां पर एक सिंगल सोर्स फाइल हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स फाइल्स हैं। तो यहाँ पर पाइथन जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो कुछ मॉड्यूल्स हो सकता है इसके पाइथन में, हो सकता है कुछ मॉड्यूल इसके नॉन पाइथन कोड में राइट हुए हैं। मीन्स एज बोलो फर्स्ट टू मॉड्यूल्स किसमें है, पाइथन, लेकिन जो लास्ट मॉड्यूल है हो सकता है मॉड्यूल जावा में डेवलप हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिबल, दिस इज पाइथन कोड एंड दैट मे बी एज नॉन पाइथन कोड, इज डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। और ये मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट किससे होते हैं, सेपरेट सोर्स फाइल्स, सेपरेट सोर्स फाइल्स। मीन सिंपली आप बोल सकते हो पाइथन कोड के साथ नॉन पाइथन कोड मर्ज करना पॉसिबल है, दैट फीचर इज नोन एज एक्सटेंसिबल। लेकिन ये फीचर ओनली सपोर्ट कौन कर रहा है, जस्ट पाइथन। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर मैंने आपको क्या बताया था इसके अलावा, समथिंग पाइथन इज embedded programming language. What is mean by embedded? Embedded feature is just reverse of extensible. Reverse in the sense, जैसे मैंने अभी previous case में discuss किया था, Python code के साथ non-Python code merge करना possible है. Similarly, पाइथन कोड किसी अदर नॉन पाइथन कोड के साथ भी मर्ज करना पॉसिबल है। सपोज दैट आपके पास कोई कोड है जो कि आपने राइट किस में किया, दैट इज सम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को आप डेवलप किस में कर रहे हो, मे बी सी, सी प्लस प्लस और जावा लाइक दैट। मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का नेम अनाउंस नहीं कर रहा, जस्ट नॉन पाइथन। इसे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है यूजिंग पाइथन और यूजिंग नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी, नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर जस्ट आप जस्ट एज्यूम कर लो ये कोड आपने जावा में नॉन पाइथन में राइट किया है, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। जिस तरह से प्रीवियस केस में आपने देखा पाइथन के साथ अदर नॉन पाइथन कोड को मर्ज करना पॉसिबल है, राइट। सिमिलरली अगर आप प्रोजेक्ट नॉन पाइथन में डेवलप कर रहे हैं, तो इसके साथ कुछ पार्ट, अगर किसी रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई पाइथन कोड प्रेजेंट है, मीन्स कोई मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल, ठीक है, और ये मॉड्यूल ऑलरेडी डेवलप किस में हो चुका है, नॉन सॉरी बाय यूजिंग पाइथन, मीन्स इसके लॉजिक्स ऑलरेडी पाइथन लैंग्वेज में प्रेजेंट है। अब सेम मॉड्यूल अगर आपको करेंट प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, तो या तो आपके पास फर्स्ट चॉइस क्या है, इस सेम मॉड्यूल भी आप डेवलप करो बाय यूजिंग नॉन पाइथन टेक्नोलॉजी, राइट। या फिर अगर ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है, तो पाइथन कोड अदर लैंग्वेज के साथ मिक्सअप करना पॉसिबल है। इस फीचर को आप नेम क्या दोगे, जस्ट एम्बेडेड फीचर, राइट। फॉर एग्जाम्पल एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ पर्सन ने HTML का यूज किया हुआ, राइट। अगर आप HTML कोड ये राइट कर रहे हो, तो HTML के अंदर समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड क्या होता है, सम मीडिया प्लेयर और वीडियो प्लेयर, राइट। मीडिया प्लेयर के लिए भी आपने देखा होगा, अगर आपको किसी HTML पेज के अंदर मीडिया प्लेयर रिक्वायर्ड है लाइक दैट, मीडिया प्लेयर के लिए या तो आप पूरा HTML कोडिंग करो, या फिर मीडिया प्लेयर जस्ट आप देखते होगे आपने यूज किया हो, मीडिया प्लेयर ऑलरेडी डेवलप्ड, मतलब HTML के फॉर्म में मीडिया प्लेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसको जस्ट आप अपने HTML कोड में एम्बेड करना चाहते हो, तो एम्बेड करने के लिए अगर आपने देखा हो कौन सा टैग यूज होता है, जस्ट एम्बेड, राइट। इस फीचर को क्या देते हैं, मुझे कंप्लीटली याद नहीं, जस्ट यहाँ टैग नेम यूज होता है एम्बेड,
सम सोर्स फाइल लाइक दैट, राइट। ये भी फीचर क्या है, जस्ट एम्बेडेड। सिमिलरली इस फीचर को आप नेम क्या दोगे, अगर आप नॉन पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन कोड को एम्बेड करते हो तो इस फीचर को आप क्या बोलोगे, जस्ट एम्बेडेड फीचर। इस और पाइथन कोड किसी भी कोड के साथ एम्बेड कराना पॉसिबल है, देयरफॉर वी कैन से पाइथन इज एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस टाइप का लैंग्वेज, जस्ट एम्बेडेड। क्लियर है सबको? जस्ट दो केस हैं, पाइथन को या तो नॉन पाइथन के साथ आप मिक्सअप करोगे, राइट, या नॉन पाइथन को पाइथन के साथ मिक्सअप कर रहे हो। एक बार फिर से जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, दैट इज पाइथन, दैट इज नॉन पाइथन, पाइथन कोड एंड नॉन पाइथन कोड। फर्स्ट वन, अगर आप पाइथन कोड को नॉन पाइथन कोड में आप ऐड करते हो तो इस फीचर का नेम क्या बताया था मैंने जस्ट अभी, बोलो, एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड, जस्ट एम्बेडेड, राइट। क्या बोलेंगे इसको, एम्बेडेड फीचर, पाइथन इज एम्बेडेड। अगर आप नॉन पाइथन कोड को पाइथन कोड में इंक्लूड करते हो, राइट, नॉन पाइथन कोड पाइथन के साथ इंक्लूड कराया जा रहा है तो इस फीचर का नेम क्या था, जस्ट एक्सटेंसिबल, राइट, एक्सटेंसिबल। पाइथन दोनों ही फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है पाइथन का, जस्ट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, सिंस पाइथन कोड कैन बी इंक्लूडेड इन साइड, कैन बी इंक्लूडेड विद नॉन पाइथन कोड। नॉन पाइथन मीन्स सी, जावा, पीएचपी, नॉन पाइथन कोड। सिंस पाइथन कोड कैन बी इंक्लूडेड विद नॉन पाइथन कोड, देयरफॉर We can say Python is embedded programming language. Embedded programming language. That's it. Clear है सबके लिए? Next feature क्या है? जस्ट मैं यहाँ पर sequence है, मैं wrongly mark कर रहा हूँ, ये 8th number का sequence है। एक और जस्ट feature था 5th number पर, जो कि मैं mention करना भूल चुका हूँ। इस पर क्या था? सिंपल एंड इजी टू लर्न, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सिंपल एंड इजी टू लर्न। नेक्स्ट 9th नंबर का फीचर है इसका, पाइथन इज, 9th फीचर में प्रोवाइड किया था, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, राइट। ये भी काफी ग्रेट फीचर है। इसका मीनिंग क्या है, एक वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या, समथिंग प्रीडिफाइंड, समथिंग प्रीडिफाइंड, राइट। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए, इस प्रोजेक्ट लेवल पर जो मोस्ट फ्रिक्वेंट रिक्वायरमेंट्स है, मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट्स है, ऑलमोस्ट सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए पाइथन ने ऑलरेडी डिफरेंट प्रीडिफाइंड फॉर्म में लाइब्रेरीज प्रोवाइड की है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर वही रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है तो आपको उसके लिए खुद से फ्रॉम स्क्रैच कोई भी कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्म में लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप खुद से न्यू लाइब्रेरी या न्यू फंक्शनैलिटी राइट करोगे क्या, नहीं, राइट। आप जस्ट एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दिस इज सी प्रोग्राम, सी के अकॉर्डिंग मैं जस्ट बात कर रहा हूं। अगर आपको चेक करना है गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रिंटएफ। सी की बात कर रहा हूं सिंपली, अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना तो CLRSS। सेम है किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है SQRT। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस को आप जस्ट बोल सकते हो जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। तो अगर आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सी लैंग्वेज में तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए आप खुद का लॉजिक राइट करते हो क्या, नहीं। रीजन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड चॉइस है,
सेम एज अगर किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करना, तो उसके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, राइट। बट सपोज दैट अगर मुझे चेक करना है किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए कोई प्री डिफाइंड सी फंक्शन है क्या? देयर इज नो सच फंक्शंस, राइट। तो इस केस में फिर आपके पास चॉइस क्या है? अगर किसी रिक्वायरमेंट के लिए कोई प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी नहीं है, तो आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर जो प्रिंट एफ एसक्यूआरटी या पावर फंक्शन यूज करें, इनको आप क्या बोलोगे? जस्ट रेडीमेड लाइब्रेरी। लेकिन सी के अंदर रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल बट लिमिटेड, सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए है क्या? नहीं। लेकिन पाइथन के अंदर मोस्ट ऑफ कॉमन रिक्वायरमेंट्स के लिए कई सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी अवेलेबल है। मीन्स एक या दो लाइब्रेरी नहीं, लैक्स ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल, लैक्स ऑफ, राइट, फॉर एवरी कॉमन रिक्वायरमेंट्स। मीन्स अगर आप डीप लर्निंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो डीप लर्निंग के लिए सेपरेट लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर आप डेटा साइंस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको खुद से सारे लॉजिक नहीं लिखना है, सारे के सारे एल्गोरिथम आपको खुद से राइट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कोड अवेलेबल है, जस्ट आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है, कौन सा लाइब्रेरी यूजफुल रहेगा, उस लाइब्रेरी को ऐड करके एम्बेड करके जस्ट आपके लिए कोड करना पॉसिबल है। सेम एज AI के केस में, जैसा कि आपको पता है पाइथन AI के लिए बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज है, तो AI से रिलेटेड भी जो मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको खुद से बहुत रेयर लॉजिक्स राइट करने, तो मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए प्री डिफाइंड लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर रिच सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल, देयरफॉर वी कैन से पाइथन हैज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, राइट। सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए अवेलेबल क्या है? सम प्री डिफाइंड कोड। क्लियर है? आगे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि छोटा सा कोड देखते हैं, ठीक है। अब डीप लर्निंग या AI इस लेवल का नॉलेज मुझे भी नहीं, तो मैं इन एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जस्ट मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जस्ट पाइथन में एक स्मॉल कोड राइट करना है, किसके लिए? फॉर जनरेटिंग OTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल पासवर्ड, OTP। OTP को जनरेट करने के लिए मुझे कोई कोड राइट करना है, और OTP हो सकता है 4 डिजिट का हो सकता है 8 डिजिट का हो सकता है 10 डिजिट का हो, राइट। मैं जस्ट 10 डिजिट या 4 डिजिट का जस्ट स्मॉल कोड देख लो, यू वांट टू जनरेट OTP ऑफ 4 डिजिट नंबर। इस केस में जस्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी हैं जिसके थ्रू आपके लिए OTP जनरेट करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है सी या जावा में पॉसिबल नहीं है, अदर लैंग्वेजेस में भी पॉसिबल है इन सेम स्टाइल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ OTP जनरेट करने के लिए, एज असिस्टेंट आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर सकते हो, आपको कंप्लीटली अपना कोड राइट करने की जरूरत नहीं है। अब OTP में इंपोर्टेंस क्या है? एक ऐसा नंबर होता है जो किसी के लिए भी गैस करना पॉसिबल नहीं है, राइट। OTP मींस क्या है? इसका मतलब क्या है? जस्ट अ नंबर दैट कैन नॉट बी गैस और प्री डिफाइंड। एवरी टाइम जितनी बार आप OTP जनरेट करोगे, तो एवरी टाइम सेम नंबर जनरेट होगा, डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट, राइट। हो सकता है इसके सारे सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए तो नंबर रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए बोलना पॉसिबल नहीं कि नंबर किस सीक्वेंस आईडी में जनरेट, सॉरी, रिपीट हो रहा है, राइट। देखते हैं जस्ट स्मॉल कोड। तो OTP जनरेट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होता है? सम रैंडम नंबर्स। यहाँ पर यूज क्या करना होता है? सम रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर्स के लिए सी में भी प्री डिफाइंड फंक्शन, नो डाउट। लेकिन अपन देख रहे हैं जस्ट पाइथन में यही को डेवलप करना कितना सिंपल है, ठीक है। पाइथन में अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हो, वहां पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जस्ट रैंड इंट, रैंड इंट, रैंडम इंटीजर। अभी हो सकता है आपके लिए मैं जो कोड और एग्जांपल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ प्रॉपरली पूरा कोड समझना पॉसिबल हो, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोड का मीनिंग समझना है। आप तो जस्ट ये चेक करो, और अपने पास ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो ये OTP एप्लीकेशन सिंपली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। चेक करते हैं इसके लिए। सी पाइथन क्लासेस आपका फोल्डर है, आज के जो प्रोग्राम्स हैं अभी तक मैंने, ये तो आपको पता है पाइथन का प्रोग्राम डेवलप करने का मैंने अभी तक कोई भी प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट मैं रैंडमली कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फ्यू क्लासेस में आपको पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया, समथिंग प्रिंट OTP डॉट पाई समथिंग,
आपको यहाँ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना रेंट इंट, तो आपको पता है चाहे सी हो या जावा हो, अगर आप कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी यूज करो, इस प्रीडिफाइंड फंक्शन को आप लॉजिकली बोल सकते हो प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी। अगर आप कोई भी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी यूज करते हो तो सी में उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है, हेडर फाइल्स। जावा के अंदर जस्ट अगर आप कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी यूज करा तो उसके लिए पैकेज इंपोर्ट करने की नीड होती है। पाइथन के अंदर हेडर फाइल्स को और पैकेज को क्या बोला जाता है, जस्ट लाइक अ मॉड्यूल, जस्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पर भी आपको इस मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए पाइथन ने प्रीडिफाइंड फंक्शन तो प्रोवाइड किया है, क्या है इसका नाम, जस्ट रैंड इंट। लेकिन ये फंक्शन एक्चुअली किस मॉड्यूल में प्रोवाइड किया गया है, रैंडम मॉड्यूल। मॉड्यूल का नेम इटसेल्फ क्या है, जस्ट रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल से अगर आप रैंड इंट फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जस्ट स्मॉल कोड राइट करना है, फ्रॉम रैंडम, या रैंडम क्या, जस्ट मॉड्यूल नेम, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट विच फंक्शन, जस्ट रैंड इंट। तो इस फंक्शन का नेम आप जस्ट यूज कर सकते हो, रैंड इंट, ठीक है। That is the import process. एक बार इस फंक्शन को जस्ट मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, विच फंक्शन, रैंड इंट। जस्ट आपने फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन आपको एवरी टाइम रिटर्न क्या करेगा, यूनिक डिजिट्स, मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको सिंगल डिजिट नंबर रिटर्न करेगा। अब सिंगल डिजिट की बात करें तो कोई भी डिजिट किस रेंज में हो सकता है, बिटवीन 0 to 9। लेकिन आप किस रेंज में नंबर को जनरेट करना चाहते हो, सपोज दैट मैं नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी डिजिट के रेंज की बात कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट। मतलब इस केस में जो रैंड इंट फंक्शन आप कॉल करोगे तो इससे बाय डिफॉल्ट कोई भी डिजिट क्या जनरेट होगा, आइदर 0 or 1, 2 or up to 9। बट सपोज दैट मैं रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ विद इन अ रेंज ऑफ 0 to 3 और मे बी रेंज ऑफ 2 to 4 लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्या करना है, बिगिनिंग स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट रेंज। मैं जस्ट 0 और 9 की रेंज में कोई भी डिजिट जनरेट करना चाहता हूँ, इसलिए आप पास क्या करो, बिगिनिंग डिजिट इज 0 and end digit is 9। बट सपोज दैट मैंने यहाँ पर बिगिनिंग डिजिट 3 स्पेसिफाई कर दिया और एंड डिजिट मैंने 7 स्पेसिफाई किया है, तो इस केस में जब ये फंक्शन कोई नंबर आपको प्रोवाइड करेगा तो पॉसिबल डिजिट्स क्या देगा आउटपुट में, आइदर 3 or 4 or 5 or 6 or 7। तो एक्सपेक्टेड डिजिट है वो क्या आएगा, विद इन अ रेंज ऑफ 3 to 7। इसके अलावा कभी भी कोई अदर डिजिट इससे रिटर्न नहीं हुआ। अब जो डिजिट से रिटर्न हो रहा है उस डिजिट को मैं जस्ट वेरीफाई करने के लिए डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो पाइथन में कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, जस्ट प्रिंट, राइट, प्रिंट फंक्शन। कौन सा है, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन के थ्रू कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, पाइथन कोड को कंपाइल और रन करने के लिए यूज क्या करोगे, पाई कमांड। यहाँ पर आप चेक कर रहे हो रिजल्ट क्या है, जस्ट 4। मैंने अभी रेंज क्या पास किया है, 3 to 7। तो आप इसको जितनी बार रन करोगे एवरी टाइम आपके लिए यूनिक डिजिट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इससे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या अपने लिए गैस करना पॉसिबल था क्या, नहीं हो सकता है रिपीट करे, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं करेगा। आपको पता है जो रेंज है इस रेंज में कितने नंबर पॉसिबल, समथिंग 4 or 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो कोई तो सीक्वेंस होगा जब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चेक करो नेक्स्ट टाइम क्या आया, जस्ट 5। अगेन फिर से 5 आएगा, गेस करना पॉसिबल है क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। चेक करो 3 times 5 कंटिन्यूसली दिया है, लेकिन उसके बाद क्या, अगेन 3, जबकि 3 भी ऑलरेडी एपियर हो चुका है। अगर मुझे 0 से 9 की रेंज में चाहिए तो फर्स्ट बिगिनिंग डिजिट क्या यूज करोगे, 0 then 9, दैट्स इट। यहां से मुझे जस्ट डिस्प्ले क्या कराना है, सम रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर डिस्प्ले कितने डिजिट का नंबर डिस्प्ले कराना है, 4 digit का। तो आप जस्ट एक लूप यूज कर लो, 4 i in range of 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं पूरा मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये लूप जस्ट लॉजिकली कितनी बार रन हुआ, 4 times। रेंज में आपने क्या पास किया, 4, जस्ट ये लूप 4 times रन हुआ। जब ये लूप 4 times रन हुआ तो प्रिंट फंक्शन बार रेंड इंट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, 4 times। तो आपको एवरी टाइम 1 digit प्रोड्यूस होगा, तो टोटल डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 4 digits, राइट। लेकिन एवरी टाइम ये डिजिट्स सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट, दैट्स इट।
लूप के अंदर यहाँ पर आप यूज क्या करोगे एंड में जस्ट कॉलन। तो अभी मैंने लूप तो डिस्कस किया नहीं, तो इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। जस्ट आप तो लॉजिकली ये समझो, ये कोड 4 टाइम रन हो रहा है, 4 टाइम रन हो रहा है तो ये डिजिट्स भी कितने प्रिंट करेगा, 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद इन अ रेंज ऑफ 0 to 9। टेस्ट इट, फर्स्ट डिजिट क्या है 2781। आप बोलो नहीं सर मुझे तो एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले कराना है, राइट, सिंगल लाइन। यहाँ पर आपके पास जो प्रिंट फंक्शन है उसमें एट्रीब्यूट यूज होता है सेपरेटर और एंड। तो यहाँ पर मैंने सेपरेटर यूज किया, जस्ट सेपरेटर इक्वल्स टू स्पेस। अगेन ट्राई करते हैं, सॉरी यहाँ पर जस्ट आप सेपरेटर क्या करता है, लाइन को सेपरेट कर रहा है। मैं यहाँ पर जस्ट यूज कर रहा हूँ एंड एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, जस्ट एंड। तो एवरी टाइम करेंट आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद एंड किससे हो जाएगा, स्पेस से, ना कि लाइन से। बाय डिफॉल्ट इसका एंड एट्रीब्यूट का डिफॉल्ट वैल्यू होता है स्लैश एन, मींस न्यू लाइन। अगर आप स्पेस से सेपरेट करना चाहते हो तो स्पेस यूज करो, राइट। इस बार सेपरेशन किससे हो रहा है, स्पेस से। और अगर आप कोई स्पेस भी यूज नहीं करना चाहते, सिंपली रिमूव इट। अगर आपको 8 डिजिट ओटीपी डिस्प्ले कराना है, लूप कितनी बार रन कर दो, जस्ट 8 टाइम्स रन करते हैं इसको। एवरी टाइम आपको सेम नंबर देगा, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट। टेस्ट इट, अगेन टेस्ट इट, अगेन टेस्ट इट, अगेन टेस्ट इट। एक ही बार कोई सीक्वेंस मैच हुआ है क्या, नहीं। तो सेम लॉजिक ओटीपी जनरेट करने में जस्ट यूज होता है, राइट। मैं जस्ट यहाँ पर मेरा अभी इंटेंशन ये नहीं कि ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, आप जो ओटीपी मैसेज रिसीव करते हैं उनके लिए जो यूनिक नंबर जनरेट होते हैं वो इसी लॉजिक के बेस पर जनरेट होते हैं। जस्ट स्मॉल कोड है, अगर यही कोड आप अदर लैंग्वेज में राइट करोगे तो हो सकता है आपके लिए काफी टाइम टेकिंग हो, काफी लेंथी भी हो। मीन्स 3 लाइन में तो बताना बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल। लेकिन ये कोई रिच लेवल का लाइब्रेरी नहीं, जस्ट ये तो एक स्मॉल आइडिया था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप से मॉड्यूल लेवल्स पर भी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती है। तो पाइथन इज कंसिडर्ड एज, और पाइथन हैज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट। क्लियर है सबको, लास्ट फीचर क्या है, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड। जस्ट सारे के स्टार्ट कर रहा हूं, पाइथन इज, एक टाइप से देखा जाए तो पाइथन के अंदर सारे फीचर्स हैं। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस फीचर इंक्लूड बाई द पाइथन फ्रॉम विच लैंग्वेज। मीन्स ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड तो अपने आप में कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने देखा है वर्ल्ड में कई सारे ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड लैंग्वेज अवेलेबल है, लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, लाइक दैट, राइट। फर्स्ट फीचर में राइट कर रहा हूँ नॉट ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड, जस्ट प्रोसीजर ऑरियंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, पाइथन इज प्रोसीजर ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन के अंदर सारे फीचर्स हैं, तो इसका मतलब क्या, पाइथन के अंदर फंक्शंस और प्रोसीजर्स क्रिएट करना पॉसिबल है। दिस फीचर ऑफ पाइथन विल बी टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज। ये फीचर पाइथन ने जस्ट कहाँ से इनहेरिट किया, फ्रॉम सी लैंग्वेज। मतलब ये सारे फीचर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जस्ट एक्सटेंड किए हैं, इनहेरिट किए हैं। ये फीचर किससे इंक्लूड किया, फ्रॉम सी लैंग्वेज, प्रोसीजर ऑरिएंटेड, सेम एज प्रोसीजर भी बोल सकते हो और फंक्शनल ऑरिएंटेड भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फीचर पाइथन ने किससे लिया है बता सकते हो, ये तो आपके लिए गैस करना पॉसिबल है ना, कौन सा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बोलो, कमेंट कर सकते हो। वेरी गुड, सबको पता, ऑलमोस्ट पब्लिकली कमेंट करना, ठीक है। ये फीचर पाइथन ने किससे लिया है, जावा से और सी प्लस प्लस से।
जावा से, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबसे ज्यादा किसके साथ में यूज होता है, जावा के साथ। चलो इसकी स्टोरी डिस्कस कर दें। पाइथन किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पाइथन ऑफिशियली कब अनाउंस हुआ, इन 1991, राइट। जावा ऑफिशियली कब अनाउंस हुआ, 1995। हाँ, और कुछ लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, फीचर कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जावा से लिया गया, मतलब जावा बाद में आया था, जब पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ था या अनाउंस हुआ था उस टाइम पर जावा नाम का कोई लैंग्वेज था ही नहीं, तो जावा से इनहेरिट कैसे कर सकता है, समझ में आया, लॉजिकली सोचना थोड़ा, बोल सकते हो, हो सकता है फीचर जावा ने पाइथन से इनहेरिट किया हो, क्योंकि जावा बाद में आया है, राइट। ये फीचर जस्ट कहां से है, फ्रॉम सी प्लस प्लस, फ्रॉम सी प्लस प्लस, सेम एज पाइथन इज एन स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसा है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या रहता है, जैसे आपने सी में या जावा में देखा है सभी प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड और मेन फंक्शन। सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, समथिंग, डॉट नेट में भी यूज क्या होता है, जस्ट मेन मेथड, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर मैंने इतने प्रोग्राम अभी तक एक्सटर्न किए हैं, कभी भी कोई मेन मेथड यूज किया गया नहीं। रीजन, पाइथन के अंदर कोई भी कोड आपके लिए डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल है, बिकॉज इट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइक HTML। HTML स्क्रिप्टिंग है कि नहीं, HTML के अंदर अगर आपको कोई भी कोड राइट करना है, जैसे मैं जस्ट एक HTML पेज रन कर रहा हूँ, समथिंग इंडेक्स डॉट HTML, राइट। डिस्प्ले कराना है समथिंग हेलो, तो हेलो अपन डायरेक्टली डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई भी HTML या हेडर या बॉडी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली। मैंने यहाँ पर जस्ट इसको रन किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इससे मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, मैसेज एस हेलो, क्लियर। सेम एज अगर आपको यहाँ कुछ कलरफुल देना है तो आप बॉडी टैग या अदर टैग यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी फंक्शन यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक अ मेन और सम अदर फंक्शंस, नहीं किसी भी फंक्शंस की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। इस टाइप के जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जस्ट HTML और जावा, सॉरी जावा नहीं, बोल सकते हो जावा स्क्रिप्ट, राइट। जावा स्क्रिप्ट में मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, पेज लोडिंग टाइम पर जावा स्क्रिप्ट कोड स्टाइल टैग के हेल्प से एग्जीक्यूट करवाना पॉसिबल है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थे जस्ट बिफोर पाइथन, उनका नेम क्या है, पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट, क्या है, जस्ट सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये फीचर जस्ट पाइथन ने एडॉप्ट कहाँ से किया है, फ्रॉम पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट। क्या पर्ल और सेल स्क्रिप्टिंग कैसी लैंग्वेज, जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और मोस्ट ऑफ जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो ट्रांसलेशन पर्पज से हमेशा यूज क्या करते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जस्ट इंटरप्रेटर। मोस्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन पर्पज से मीन्स हाई लेवल कोड को लो लेवल में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा यूज क्या करते हैं, ऑलवेज इंटरप्रेटर, राइट। दिस फीचर टेकन बाय द पाइथन फ्रॉम पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट, सॉरी सेल स्क्रिप्ट, मुझे इन लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, आप अपनी तरफ से देख सकते हो। सेमेस पाइथन इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मॉड्यूलर भी बोल सकते हो, ठीक है, मॉड्यूलर, फंक्शनल और प्रोसेस सब कुछ इसी में आ जाता है। उसका रीजन क्या है, जस्ट ऑब्जेक्ट टू ऑरिएंटेड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है, जैसे सी, सी में भी आपने फंक्शन डिजाइन किए होंगे, void m1 समथिंग और वॉट एवर फॉर एनी पर्पज, m1 फैक्टोरियल इज प्राइम, लाइक दैट, राइट। इस टाइप के फंक्शन आपने सभी ने डेवलप किए सी में, तो सी के अंदर ये फंक्शन आप किसी क्लास के अंदर राइट करते थे या डायरेक्टली, डायरेक्टली अगर कोई फंक्शन विदाउट क्लास डायरेक्टली क्रिएट हो रहा है, देन इस डिक्लेरेशन को नेम दिया जाता है जस्ट फंक्शन, राइट। और अगर इस टाइप से फंक्शन क्रिएट करने का परमिशन कोई भी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो अंडरलाइंग लैंग्वेज कैसा हुआ, जस्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शन और प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन,
अगर यही फंक्शन आप डायरेक्टली राइट ना करके किसी क्लास के अंदर राइट कर दो, समवेयर इनसाइड क्लास, जस्ट लाइक अ जावा सी प्लस प्लस लाइक दैट, जैसे आपने कोई क्लास क्रिएट किया समथिंग मैथ, और इस क्लास के अंदर फर्दर आपने कोई फंक्शन प्रोवाइड किया जस्ट लाइक दैट इनसाइड क्लास। जब आप कोई भी फंक्शन क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, सच टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज जस्ट मेथड्स। याद रखना फंक्शन और मेथड्स में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट सिंटैक्टिकली कुछ स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन लॉजिकली दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। जब आप कोई भी फंक्शन आउटसाइड क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो, देन दिस एंटिटी इज नोन एज फंक्शन, और अगर क्लास के अंदर प्रोवाइड किया देन सिंपली वी कैन से दिस इज मेथड डिक्लेरेशन, राइट। पाइथन की बात करें, पाइथन कोई भी मेथड डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन विदाउट क्लास भी प्रोवाइड करता है, मीन्स आउटसाइड क्लास और क्लास के फॉर्म में भी प्रोवाइड करता है। पाइथन के पास ये दोनों ही फीचर्स हैं, तो इसलिए आप बोल सकते हो पाइथन कैसा है, फंक्शन मीन्स अगर क्लास के बाहर क्रिएट करा मीन्स फंक्शन, देयरफॉर पाइथन इज नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के अंदर कोई फंक्शन क्लास के अंदर भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, देयरफॉर पाइथन इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के अंदर दोनों फीचर्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कंप्लीटली ए टू जेड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा अपना, एवरीथिंग। वैशाली आपने कोई क्वेश्चन पूछा है आप क्लास के एंड में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, क्लास के एंड में मुझे रिमाइंड कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइनली पाइथन के जितने भी ग्रेट फीचर्स हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हों, जैसे जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता, एरर हैंडलिंग, क्या है, रन टाइम एरर हैंडलिंग फीचर, रन टाइम एरर हैंडलिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरेलल एग्जीक्यूशन। पाइथन रन टाइम एरर हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन को भी सपोर्ट करता है। इस टाइप के पाइथन में ढेर सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने जस्ट यहाँ पर कंसीडर नहीं करा गया, बोल सकते हो यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक्स हैं जो कि आगे चल के पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करने के लिए आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो इनका मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। रन टाइम एरर हैंडलिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन और जस्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस और सी में अवेलेबल नहीं। जावा प्रोवाइड करता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं, लेकिन पाइथन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सेम एज पैरेलल प्रोसेसिंग जावा में भी पॉसिबल है, जावा और पाइथन में कॉमन है। रन टाइम एरर हैंडलिंग भी जो लास्ट थ्री फीचर डिस्कस किए हैं, ये तीनों के तीनों फीचर्स जावा और पाइथन में कॉमन फीचर्स हैं। इनमें से अगर किसी फीचर को एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो आप चाहो तो मैं कंप्लीटली भी एक्सप्लेन कर दूं या छोड़ भी सकता हूं। क्या बोलते हैं, इनमें इंटरेस्ट है किसी का, मैं आगे थ्योरी को पढ़ाना नहीं चाहता हूं, बाकी आपकी चॉइस है। आप में से किसी ने पूछा सर व्हाट इज फोर्टान, फोर्टान भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या करना है, डिस्कस करना है, छोड़ना है इनको। थ्योरी एनफ हो चुका है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी आज का क्लास कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड ही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पाइथन इंस्टॉलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद अपने प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हालांकि ये फीचर भी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी यहाँ मीनिंगलेस नहीं है, याद रखना। फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय रन टाइम एरर हैंडलिंग। रन टाइम एरर हैंडलिंग का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, जनरली आपने देखा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टू टाइप्स के एरर्स पॉसिबल होते हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप्स के एरर्स पॉसिबल, जस्ट टू टाइप्स, क्या क्या, रन टाइम एरर्स एंड कंपाइल टाइम एरर्स। बता सकते हो रन टाइम और कंपाइल टाइम एरर में लॉजिकली डिफरेंस क्या होता है, ये पॉइंट स्पेशली मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लैंग्वेज के अंदर कॉमन होता है रन टाइम एरर्स एंड कंपाइल टाइम एरर्स।
दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, सिंपली मेरे अकॉर्डिंग जैसे कंपाइल टाइम के साथ जो वर्ड यूज होता है, कंपाइल टाइम के साथ वर्ड क्या यूज होता है, कंपाइल टाइम मीन्स स्टैटिक। हाँ, दूसरा वर्ड यूज होता है रन टाइम, रन टाइम मीन्स डायनेमिक। आपने मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस सुना होगा किसी भी लैंग्वेज में, जनरली टू टाइप के मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल होते हैं, क्या क्या, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे सी सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपके पास सेपरेट फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, व्हाटएवर। सेम है सी प्लस प्लस और जावा में, क्या है, न्यू कीवर्ड, राइट। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक। लेकिन मैं यहाँ मेमोरी एलोकेशंस की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक वर्ड कंपाइल टाइम से रिलेटेड होता है, डायनेमिक वर्ड रन टाइम से रिलेटेड होता है। लेकिन एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड रन टाइम, सॉरी स्टैटिक एंड डायनेमिक। अभी सब भूल जाओ, ना ही मैं एरर्स की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नथिंग। मैं सिंपली डिस्कस करना चाहता हूँ बिगिनर लेवल पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक फंक्शनैलिटी एंड डायनेमिक फंक्शनैलिटी, कंपाइल टाइम फंक्शनैलिटी और रन टाइम फंक्शनैलिटी। इन दोनों फंक्शनैलिटी में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है, कोई आइडिया है आप लोगों को? स्टैटिक का मतलब क्या रहता है? अभी मेमोरी मैनेजमेंट या फिर एलोकेशन प्रोसेस या एरर, इससे मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा, पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या रहता है, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम या सोर्स कोड अवेलेबल है, जस्ट सोर्स कोड ऑफ एनी एप्लीकेशन, अगर किसी भी एप्लीकेशन का आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर सोर्स कोड देखकर एरर का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल, नॉट ओनली एरर, सॉरी, अगर सोर्स कोड देखकर उसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है बेस्ड ऑन सोर्स कोड, सोर्स कोड के बेसिस पर अगर किसी भी फंक्शनैलिटी का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल, बिहेवियर इन द सेंस मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, समथिंग लाइक दैट, देन वो फंक्शनैलिटी ऑलवेज किस कैटेगरी में काउंट होते हैं, स्टैटिक की कैटेगरी में, चाहे वो एलोकेशन हो और या चाहे वो एरर हो, राइट। व्हाट इज मीनवाइल डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स अगर किसी भी फंक्शनैलिटी का बिहेवियर सोर्स कोड के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, मतलब सोर्स कोड देखकर बताना पॉसिबल नहीं है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, लाइक दैट, देन वो फंक्शनैलिटी हमेशा किस कैटेगरी में काउंट होते हैं, रन टाइम और डायनेमिक। जस्ट सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसका। अब सी लैंग्वेज के अंदर इतना छोटा सा प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट सबने बनाया होगा, राइट। जस्ट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, जस्ट वी वांट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द सी सोर्स कोड। मुझे तो नहीं लगता कि इस क्लास में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको ये पता नहीं है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। जस्ट मैंने प्रोवाइड क्या किया, जस्ट कोई सी फाइल है a.c, दैट इज द सोर्स कोड ऑफ सी लैंग्वेज, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड के अकॉर्डिंग जस्ट इस सोर्स कोड को देखकर कोई भी बोल सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एवो कोड। सिंपली आपको होता है इससे डिस्प्ले क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, जस्ट 10, राइट। इससे आउटपुट क्या प्रिंट होना, 10। आप इस कोड को वन टाइम एग्जीक्यूट करो या 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी एग्जीक्यूट करा लो, एवरी टाइम इसका आउटपुट फिक्स्ड है, क्या आएगा, 10। पहली बात तो सोर्स कोड देखकर बताना पॉसिबल है इसका आउटपुट क्या आएगा। दूसरी बात, अगर मैं सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं करता तो कभी भी इस कोड का आउटपुट चेंज होने के चांसेस है क्या, नहीं। तो इसका आउटपुट कैसा, फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स स्टैटिक, फिक्स्ड का मतलब क्या, जस्ट स्टैटिक, राइट। यही प्रोग्राम एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एग्जांपल किसका हुआ, स्टैटिक की कैटेगरी को, मतलब इस कोड का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कैसा, स्टैटिक और डायनेमिक, जस्ट स्टैटिक, राइट। सेकंड प्रोग्राम क्रिएट किया, अगेन इस प्रोग्राम के अंदर भी मैंने आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया, नो डाउट, लेकिन इस बार इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू मैं कीबोर्ड से रीड कर रहा हूँ यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। सभी लोग बहुत अच्छे सी प्रोग्रामर हैं, हाँ, इतना कोड सभी को समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एवो कोड, बोलो क्या आउटपुट आएगा इसका, बता सकते हो सभी लोग कमेंट करके।
क्या सी के इतने छोटे से प्रोग्राम का आउटपुट बताना पॉसिबल नहीं है क्या? कोई बता सकता है, क्या दिक्कत है? कोई भी नहीं बता सकता है, मुझे नहीं पता इसका आउटपुट क्या आएगा। डिपेंड करेगा आपने रन टाइम पर एंटर क्या किया। सोर्स कोड तो आपको विजिबल है, प्रोग्राम का सोर्स कोड विजिबल है कि नहीं? विजिबल है, लेकिन फिर भी ये बताना पॉसिबल नहीं है कि इसका आउटपुट क्या है, राइट? इसलिए इसका बिहेवियर कैसा हुआ, स्टैटिक और डायनेमिक, जस्ट डायनेमिक। अगर सोर्स कोड देखकर बिहेवियर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है या पता लगाना पॉसिबल नहीं है, इस टाइप के फंक्शनैलिटीज को क्या बोला जाता है, जस्ट डायनेमिक फंक्शनैलिटी। अब चाहे वो एरर की बात हो या फिर आउटपुट की बात हो, राइट, या फिर मेमोरी एलोकेशन। सपोज दैट स्कैनएफ में मैंने फर्स्ट टाइम एंटर किया 10, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10, राइट। सेकेंड टाइम इस प्रोग्राम को फिर से मैंने टेस्ट किया, एंटर किया मैंने 20, अगर एक्स का वैल्यू मैंने एंटर किया 20, तो नेक्स्ट टाइम आउटपुट भी क्या आएगा, 20। थर्ड टाइम हो सकता है मैंने फिर से एंटर किया 10, तो अगेन इसका आउटपुट क्या आएगा, 10। एंटर किया 30, लाइक दैट। तो इस प्रोग्राम का पहली बात, तो इसका आउटपुट सोर्स कोड के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दिस इज डायनेमिक कोड। दूसरा केस, एवरी टाइम इसका आउटपुट सेम आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो इसका आउटपुट फिक्स्ड है क्या, नहीं, मीन्स चेंजेबल, राइट। तो इसलिए फंक्शनलिटी कैसा हुआ, जस्ट डायनेमिक, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक बिहेवियर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक। इतना तो सबके लिए क्लियर होगा। अभी मैंने ना ही मेमोरी मैनेजमेंट की बात की ना ही एरर्स की, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक का दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक मीन्स कंपाइल टाइम फंक्शनैलिटी, डायनेमिक मीन्स रन टाइम। कंपाइल टाइम मीन्स व्हाट, ट्रांसलेशन टाइम, राइट। अब मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए जस्ट मेमोरी एलोकेशन। आपने ए वर्ड भी फ्रिक्वेंटली सुने हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर टू टाइप के मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। इनमें भी डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल क्रिएट किया, कैर एक्स इक्वल टू समथिंग ए और वट एवर, वट इज द साइज ऑफ एक्स, बोलो इस प्रोग्राम के अंदर। सपोज दैट दिस इज द सी प्रोग्राम, राइट, सी प्रोग्राम, वट इज द साइज ऑफ वेरिएबल एक्स, साइज ऑफ एक्स, कोई भी बता सकता है। सी के अंदर एक्स क्या है, वेरिएबल, और एक्स का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो डेटा टाइप के बेसिस पर साइज गैस करना पॉसिबल, देयरफॉर वी कैन से जस्ट इट विल टेक्स 1 byte। अगर मैंने यहाँ पर यूज किया इंटीजर, राइट, इंट एक्स इक्वल टू समथिंग वट एवर, एज्यूम करो दिस इज द 16-bit सी कंपाइलर, तो 16-bit सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज कितना होता है, जस्ट 2 bytes। तो कोई भी बोल सकता है व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स हियर, साइज ऑफ एक्स इज जस्ट 2 bytes, क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट मैंने कोई प्रोग्राम राइट किया सी लैंग्वेज के अंदर, जस्ट लाइक दैट, इंट एक्स कैर वाई एंड रेस्ट ऑफ द कोड। इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, कोई बोल सकता है 16-bit कंपाइलर में जस्ट 2, वाई के लिए 1। इस प्रोग्राम को मैं 1 time एग्जीक्यूट करूँ या 1000 time एग्जीक्यूट करूँ, राइट, ऑलवेज आप श्योर हो गए एक्स के लिए ऑलवेज 2 byte एलोकेट होगा, वाई के लिए 1 byte। तो सोर्स कोड देखकर यहाँ पर एक्स और वाई का मेमोरी साइज बताना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है बेस्ड ऑन सोर्स कोड। तो इसलिए मेमोरी एलोकेशन किस कैटेगरी में आएगा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की कैटेगरी में, राइट, आप ये अंडरस्टूड है। लेकिन याद रखना, पाइथन समझने के लिए भी याद रखना, आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रीजन, पाइथन का सोर्स कोड कोई भी इजीली समझ सकता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अगर आप इस लेवल के नॉलेज को गेन करना चाहते हो तो आपको ये सारे फंक्शनलिटी आना चाहिए बेस लेवल पर, तभी आप इसका परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज कर पाओगे। पाइथन कम्प्लीटली फुली डायनेमिक लैंग्वेज है, फुली कम्प्लीटली 100%। तो इसलिए आपको ये पता ही होना चाहिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग क्या होता है। 99% केसेस में आपको नहीं पता होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग क्या है, पर पता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि करते कैसे या सिंटेक्स क्या, डजंट मैटर, जस्ट मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट केस क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, सबने सुना है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और इसी का दूसरा नेम क्या होता है, कंपाइल टाइम एलोकेशन, राइट,
सुना है कि नहीं सुना है, सबने सुना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सी में आपने पढ़ा है जावा, किसी भी लैंग्वेज, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या, मीनिंग क्या है। जस्ट नेम तो सुना होगा कम से कम। दूसरा नेम क्या सुना होगा आपने? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इन शॉर्ट रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। ये नेम तो सबने सुने होंगे राइट। इसको मैंने शॉर्ट में राइट करा एज एस एम ए। स्टैटिक मींस कंपाइल टाइम एलोकेशन, डायनेमिक मींस रन टाइम एलोकेशन। जस्ट मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होता है। जनरली किसी प्रोग्राम के अंदर टू स्टेप्स होते हैं, एक तो क्या होता है कंपाइलेशन फॉर एनी प्रोग्राम, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो जस्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी स्पेस एलोकेट कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट इज माय क्वेश्चन। व्हेनेवर मेमोरी इज एलोकेटेड इन केस ऑफ रन टाइम एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपने किसी ने भी मेरे सी के वीडियो देखे हैं ठीक है, या फिर कोई भी क्लास ज्वाइन किया है, वो कोई भी पर्सन इसका रिप्लाई कर सकता है। मतलब उनको पता होगा अगर आपने कंप्लीटली वीडियो देखे। मैं दो ही तो ऑप्शन दे रहा हूं, जस्ट मेरा क्वेश्चन क्या है प्रॉपरली सुन लो। व्हेन एवर, काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, व्हेन एवर मेमोरी इज एलोकेटेड इन केस ऑफ, व्हेन एवर मेमोरी इज एलोकेटेड इन केस ऑफ DMA means dynamic memory allocation। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या बोलते हो? किसी के लिए बताना पॉसिबल, बहुत सिंपल प्रोसेस है राइट। जस्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का दूसरा नेम क्या होता है? जस्ट रन टाइम, मीन्स कंपाइल टाइम पर एलोकेट हो रहा है रन टाइम पर। कंपाइलेशन मीन्स एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम और एट द टाइम ऑफ रन टाइम। अब ठीक है, आपके लिए सूटेबल ऑप्शन राइट कर दिए रन टाइम ठीक है। दूसरा केस, ये तो सबके लिए सिंपल पॉइंट था, याद रखना सबके लिए इजी था। जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो सेकंड है मेरा, क्या? व्हेन एवर मेमोरी इज एलोकेटेड इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज माई एक्चुअल क्वेश्चन। तुक्के लगा सकते हो लेकिन करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हो, याद रखना। मैं केवल उनसे बात कर जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो पॉसिबल है क्योंकि उनको मैं बता चुका हूँ या समझा चुका हूँ। जस्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर मेमोरी इज एलोकेटेड इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, कंपाइल टाइम पर और रन टाइम पर, वन और टू सेंड करके बताओ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी कब एलोकेट होता है? ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फटाफट सेंड कर सकते हो। सबको पब्लिकली सेंड करना है, वन और टू सेंड कर सकते हो। कंपाइल टाइम के लिए वन, रन टाइम के लिए टू। इसमें तो सभी उससे आ रहा, सबका आंसर सही आया है, एक दो को छोड़ के। वेरी गुड। आंसर आपको हमेशा रिप्लाई करना चाहिए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, ट्राई तो करना चाहिए ना। ट्राई करने में क्या जाता है, गलती तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? क्यों, सही बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। आप तो गलती करो, गलतियां मैं सुधारूंगा। जैसा कि पब्लिकली रिप्लाई आए हैं, जिसमें से आंसर केवल दो लोगों का सही है, तीन लोगों का, सॉरी तीन चार लोग हैं, विशाल कर्मा, अभिनव वर्मा, परीक्षित और दीपक पाटीदार। इन चार नेम को मैंने अनाउंस किया है। इनमें से कोई ऐसा है जिसने मेरी कोई क्लास अटेंड किया है या फिर मेरे वीडियो वॉच किए? इन चार में से जिनके उन्हें चार नेम अनाउंस किए,
या फिर तुक्का लगाया है। अभिनय वर्मा ने नहीं किया है, बाकी सब है। या पर इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखना, दोनों का ही करेक्ट आंसर टू है, जस्ट टू, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको गुमराह कर रहा हूं या अपनी मनमर्जी से बोल दिया। इसको मैं 100% प्रूव करके दे दूंगा और आप उसको मान के भी जाओगे, एक्सेप्ट भी कर लोगे। ऐसा कभी बोलोगे नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया या मुझे कंफ्यूजन। आप 100% एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे दोनों ही केस में, चाहे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो, दोनों ही केस में एक्चुअल एलोकेशन रन टाइम पर ही होता है। सिंपल, कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन। कंपाइल टाइम पर होता क्या है? ट्रांसलेशन मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। तो आप खुद सोचो, जब यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है तो वहां पर मेमोरी की आपको जरूरत ही क्या है, राइट? तो कंपाइल टाइम पर किसी भी लैंग्वेज में कभी कोई एलोकेशन होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सभी लैंग्वेज के अंदर ऑलवेज फॉलो क्या होता है? ऑलवेज रन टाइम एलोकेशन। अब आप बोलोगे सर फिर इन दोनों का नेम नहीं, जो फर्स्ट केस है इसके साथ कंपाइल टाइम एलोकेशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, राइट? तो इसको मैं कभी फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करूंगा, काफी डेप्थ में बताऊंगा आपको व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली कंपाइल टाइम एलोकेशन। दोनों केस में एलोकेशन रन टाइम पर ही होता है, नो डाउट। अपना मेन डिस्कशन क्या था? जस्ट एरर्स। तो एरर्स की बात करें तो एरर जस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम एरर फॉर एनी लैंग्वेज, दूसरा क्या है? जस्ट रन टाइम एरर इन नॉर्मल, ठीक है। तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या हुआ? अगर सोर्स कोड देखकर एरर का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है देन कंपाइल टाइम एरर। सोर्स कोड देखकर एरर का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है देन जस्ट रन टाइम एरर, राइट? ऑब्जर्व इट, जस्ट मैं स्मॉल सी प्रोग्राम जस्ट राइट कर रहा हूँ। टू नंबर के एडिशन का प्रोग्राम सबने बनाया हुआ, तो ये प्रोग्राम मैं भी जस्ट सी में राइट कर रहा हूँ, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस। टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, ठीक है, इंट एक्स वाई एंड रिजल्ट। सबसे पहले मैं टू नंबर्स कीबोर्ड से रीड करना चाहूंगा बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। एंटर टू नंबर स्कैनएफ परसेंटी एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, राइट? सॉरी, एडिशन का प्रोग्राम नहीं है एक्चुअली, डिवीजन का प्रोग्राम है। रिजल्ट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई एंड वी वांट टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ दैट डिवीजन परसेंट डी एक्स रिजल्ट। क्या बोलते हो, ये कोड कंपाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पहले कंपाइलेशन की बात कर रहा हूँ, इज इट कंपाइल और नॉट। हेडर फाइल्स को भूल जाओ, मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं किए हैं। टर्बो सी में हेडर फाइल्स कंपलसरी नहीं, जस्ट ऑप्शनल, ठीक है। सिंटेक्टिकली कोई भी स्टेटमेंट आपको इसमें इनवैलिड दिख रहा है क्या? नहीं, सब कुछ वैलिड है, राइट? मींस ये कोड 100% कंपाइल हुआ, नो एरर। कोई एरर शो हुआ है क्या? नहीं। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्टेड, एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने एंटर किया 10 and 5, रिजल्ट क्या रहा है? 2। मींस ये कोड कंपाइल भी सक्सेसफुली हुआ, एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली हुआ, राइट? ना ही कोई कंपाइल टाइम एरर और ना ही रन टाइम। अभी भी इस प्रोग्राम में मैंने कोई चेंजेस किए क्या? नहीं। तो अभी सोर्स कोड देखकर कोई भी एरर नहीं दिख रहा, तो वन थिंग श्योर हो गए, इसमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है। फिर से रन करके देखते हैं। एंटर किया मैंने 10, वाई का वैल्यू 0। तो जैसा कि आपको पता है 0 डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? रन टाइम एरर। कोई आउटपुट आया क्या? नहीं, कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये डिवीजन परफॉर्म हुआ वाई का वैल्यू 0 फाउंड हुआ, पहले से तो फिक्स था नहीं कि वाई का वैल्यू 0 है। मतलब सोर्स कोड देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि इसमें डिवाइड एरर आएगा, क्योंकि आपको मैंने चला के भी दिखाया 10 and 5, कोई एरर आया क्या? नहीं, राइट? लेकिन हो सकता है वही कोड फर्स्ट टाइम में चल गया लेकिन सेकंड टाइम में ना चले, दैट्स इट। क्या रहा? अल्ट F5 से वेरीफाई कर लो, क्या रहा? डिवाइड एरर, दैट इज मीन बाई रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर का मतलब सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है? सोर्स कोड देखकर एरर्स का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है देन कंपाइल टाइम एरर। सोर्स कोड देखकर एरर्स का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है देन रन टाइम एरर्स। दोनों ही कैटेगरी में सबसे डेंजरस एरर्स कौन से कंसिडर होते हैं? ऑलवेज रन टाइम, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग एक क्लास में बताया था, जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, जिसमें टोटली 3 टाइप के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
टेस्टिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स क्लाइंट एनवायरमेंट, राइट. तो अगर कंपाइल टाइम मिस्टेक है तो जब आप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टेस्टिंग में मिस्टेक आपको पता चल जाएगा तो आप उसको जस्ट करेक्ट कर सकते हो. रन टाइम एरर कभी भी टेस्टिंग टाइम पर हो सकता है, सारे रन टाइम एरर सबके लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना हो. ये तो एक्चुअली कब आएगा, जब प्रोजेक्ट रन हुआ तो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को यूज कौन कर रहा है, क्लाइंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हो सकता है स्टार्टिंग के 2 ईयर्स ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. मान लो डिवीजन का ही कोई प्रोजेक्ट है, राइट. इस प्रोजेक्ट के अंदर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया, जब डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग किया, सक्सेसफुली वर्क किया. रीजन क्या, इन्होंने कभी जीरो के लिए टेस्ट किया ही नहीं होगा. एज्यूम कर लो इन्होंने कभी जीरो के लिए टेस्ट नहीं किया. सेम एज क्लाइंट एनवायरमेंट में भी 2 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है, बट सडनली किसी दिन किसी एम्प्लॉय ने बाई मिस्टेक एंटर क्या कर दिया, वाई वैल्यू जीरो. तो इमीडिएटली इस केस में क्या, रन टाइम एरर मीन से प्रोजेक्ट फेल हो गया. फेल कहा हुआ, डेवलपमेंट में नहीं, टेस्टिंग में नहीं. कहाँ फेल हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन मीन्स टेक्निकल पर्सन और नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पर्सन. तो हो सकता है इस मिस्टेक की वजह से, मान लो ये एप्लीकेशन किसी कस्टमर का बैलेंस कैलकुलेट कर रहा था, बैलेंस, और इस मिस्टेक की वजह से उसका बैलेंस, वैसे इनिशियली उसका बैलेंस कितना था, जस्ट 10 करोड़, बट इस लॉजिकल मिस्टेक की वजह से, रन टाइम एरर्स की वजह से उसका बैलेंस सेट हो गया एट जीरो. प्रॉब्लम किसके साथ आया, जिसने प्रोजेक्ट डेवलप किया उसको प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं. जो इस प्रोजेक्ट को यूज कर रहा था उस प्रोजेक्ट, उस पर्सन को प्रॉब्लम हुआ. एक्चुअली बैलेंस जीरो किसका रीसेट हुआ, एज्यूम कर लो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन था, राइट. मतलब यहाँ पर जो क्लाइंट है SBI क्लाइंट, और ये प्रोजेक्ट एज्यूम कर लो डेवलप किसने कर दिया, TCS ने, राइट. TCS ने तो प्रोजेक्ट डेवलप करके हैंड ओवर किसको कर दिया, SBI को. तो SBI ने इसको यूज किया, किसी दिन किसी लॉजिकल मिस्टेक की वजह से जस्ट रन टाइम एरर खड़ा हो गया, जिससे किसी कस्टमर का बैलेंस जीरो सेट हो गया. तो अब पता करना पॉसिबल इसका ओल्ड बैलेंस क्या था, नहीं, या सभी कस्टमर्स का बैलेंस बाय मिस्टेक जीरो सेट हो गया. तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसके साथ आया, कस्टमर्स के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी जब बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, अब किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर इस टाइप के लूप फॉल्स उस बैंक में आपको सुनने को मिल जाते हैं, न्यूज में सुनने को मिल जाते हैं, तो इमीडिएटली उसके कस्टमर और अकाउंट्स डाउन होने लगते हैं, कम होने लगते हैं. मीन्स कस्टमर्स अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी न्यूज की वजह से, राइट. तो अगर यही न्यूज अगर SBI के लिए अनाउंस हो जाए कि एक दिन एक पर्सन का अमाउंट 10 करोड़ था और उसने चेक किया तो पता चला कि जीरो था, तो कभी भी कोई पर्सन SBI में अकाउंट ओपन करेगा क्या, कभी नहीं करेगा. किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रन टाइम एरर. तो इस केस में चलो प्रॉब्लम तो कस्टमर्स को हुआ, लेकिन इस चीज के लिए SBI जिम्मेदार किसको ठहराएगा, TCS को. तो TCS से बात नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा भैया आपने क्या कर दिया, सीधा कोर्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू लीगल एग्रीमेंट. तो इन पर केस करना पॉसिबल है, जिसकी वजह से कंपनी बंद होने के भी चांसेस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रन टाइम एरर्स. तो सबसे मोस्ट डेंजरस एरर्स की कैटेगरी में काउंट किसको किया जाता है, रन टाइम एरर्स को, राइट. लेकिन पाइथन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी एप्लीकेशन में रन टाइम एरर्स आने के चांसेस हैं, तो वहां पर आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ. पाइथन ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि आपके लिए रन टाइम एरर्स को भी हैंडल करना पॉसिबल है. जैसे आपने प्रीवियस केस में देखा सी प्रोग्राम में, जैसे ही रन टाइम एरर आया इमीडिएटली कोड क्रैश हो गया था, आगे का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं. मीन्स सी और C++ प्रोग्राम के क्रैश होने के चांस बहुत ज्यादा है, बिकॉज सी और C++ में इनबिल्ट एरर हैंडलिंग सपोर्ट नहीं है. इन पाइथन के अंदर एरर्स को हैंडल करने के लिए इनबिल्ट सपोर्ट है. रन टाइम एरर्स आता भी है तो पाइथन प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं हुआ, इसको हैंडल करना पॉसिबल है. क्लियर. तो ये जो मॉड्यूल है ये भी पाइथन में एक सेपरेट यूनिट है, जो कि मैं जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं विद डिटेल्स कंप्लीटली, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट जावा में भी अवेलेबल है, जावा के अंदर भी एरर्स को हैंडल करना पॉसिबल विद सेम मैनर्स. दैट इज मीनवाइल रन टाइम एरर हैंडलिंग इनबिल्ट, मींस आपको कोई एक्चुअल एडिशनल पूरा कंप्लीट कोड राइट करने की जरूरत नहीं है, पाइथन के अंदर इनबिल्ट फॉर्म में हैंडल करना पॉसिबल है. सेम एज व्हाट इज मीन बाय पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग का जस्ट बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, जैसे आप करंटली देख रहे हो मैंने पेंट को भी MS पेंट ओपन कर रखा है, सेम टाइम पर जूम ID भी चल रहा है, सेम टाइम पर कमांड प्रॉम्प्ट भी है. हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ अपलोड कर रहा हूँ. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल
प्रोसेसिंग, तो सेम टाइप ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट पाइथन भी आपको प्रोवाइड करता है। मीन्स काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, अभी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, दैट इज अवर मेन फंक्शन, बट सपोज दैट यहाँ पर मैंने कॉल किया M1, M2, M3, मैं केवल इसको ये नहीं बोला कि पाइथन का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, मे बी सी, सी प्लस प्लस, लाइक दैट, राइट। जनरली आपने देखा हुआ सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब इस टाइप से मल्टीपल फंक्शंस कॉल करते हो, तो मल्टीपल फंक्शंस सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, जस्ट सिक्वेंसली, जब तक फर्स्ट फंक्शन M1 कंप्लीट नहीं हो जाता है, M2 या M3 को चांस मिलता है क्या, नहीं, राइट। पहले M1 एग्जीक्यूट होगा, देन M2, देन M3। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या, सेम टाइम पर M1 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, जस्ट पैरेलली M1 को भी मैं सेम टाइम पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेम टाइम पर M2 को भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेम टाइम पर M3। इस टाइप का पैरेलल एग्जीक्यूशन सी या सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं है। मीन्स सी और सी प्लस प्लस जस्ट प्रमोट किसको करता है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को। जावा के अंदर ये पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, सेम टाइम पर पैरेलली M1 का भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, M2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है और M3 भी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको जस्ट नेम दिया जाता है क्या, मल्टी थ्रेडिंग। तो पाइथन मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके इस तरह से पैरेलली मल्टीपल रिलेटेड फंक्शनलिटीज को एग्जीक्यूट कराना पॉसिबल है। इस टाइप के एप्लीकेशंस और बिहेवियर सबसे ज्यादा यूज किस में होते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। जितने भी मल्टीमीडिया और एनिमेशन बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज द एडवांटेज। तो आप बोल सकते हो पाइथन भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल प्रोसेसिंग फीचर। सेम एज, और क्या लिखवाया था मैंने लास्ट वन, कहाँ गया, मेमोरी मैनेजमेंट। ये भी पाइथन का एक पावरफुल फीचर है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही है, मीन्स डायनेमिक मेमोरी, राइट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। तो इसको क्या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, जस्ट 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देता हूँ। जैसे या होगा, आप अभी पढ़ना चाहो मैं अभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या बोलते हो, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है, इसलिए मैं फोर्सफुली कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा विद इंस्टॉलेशन एवरीथिंग। प्लस मैं ये भी डिस्कस करूंगा व्हाट इज मीन बाय IDLE और रैपल टू, इनका यूज क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। और जस्ट एक क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका प्रैक्टिकल लेवल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं रहेगा। प्लस डे टू डे में जितने टॉपिक्स आपको फिनिश कराऊंगा, उन सभी टॉपिक्स का टेस्ट पेपर भी डे टू डे टॉपिक वाइज ही रहेगा। अभी प्रैक्टिकली कोई टॉपिक हुआ ही नहीं, इसलिए अपने लिए टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इसको अभी फिनिश कर देता हूँ, जिससे अपने लिए नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पिक्चर पिक्चर में ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग, अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो कम से कम आपको 5 या 7 मिनट्स का टाइम देना होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इस फीचर का जस्ट मीनिंग क्या है, इसका रिलेशन किससे है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक्चुअली फीचर रिलेटेड है, रिलेटेड टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का आपको फुल नॉलेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जब भी आप बोलोगे इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और मुझे करना ही पड़ेगा पाइथन में, जब मैं फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा तो ये फीचर मुझे किसी न किसी दिन फिनिश करना ही है, अभी स्टार्टिंग में नहीं तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब आपका थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो मैं जस्ट एज थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है अगर आपके लिए, जैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग क्या बताया था, अगर सोर्स कोड देखकर साइज आइडेंटिफाई करना पॉसिबल, देन वी कैन से दिस इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है, कोई भी सोर्स कोड को देख के बोल सकता है इसके लिए 2 या 4 बाइट एलोकेट होंगे, राइट। बट सपोज दैट मैंने मेलॉक फंक्शन यूज किया है, मेलॉक, आपको मेलॉक का अगर ज्यादा आइडिया नहीं, डजंट मैटर, आप तो इतना समझो जस्ट मेलॉक फंक्शन के थ्रू भी डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पॉसिबल है। इससे कितने बाइट्स एलोकेट होंगे डिपेंड करेगा आपने पास क्या किया। अगर आपने आप 5 पास करोगे तो मेलॉक फंक्शन 5 बाइट एलोकेट करेगा,
टू पास किया तो मैलॉक फंक्शन टू बाइट एलोकेट करेगा, थ्री पास किया तो मैलॉक फंक्शन थ्री बाइट एलोकेट करेगा, हंड्रेड पास किया तो मैलॉक फंक्शन हंड्रेड बाइट एलोकेट करेगा। तो अभी भी अगर मैं किसी भी पर्सन ने इस टाइप से कोई कोड राइट किया है लाइक दैट वॉइड मैन, जस्ट मैं सी का ही एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, ये नहीं बोल रहा हूँ मैलॉक किस टाइप से एलोकेट कर रहा, पूरा एग्जाम्पल नहीं, जस्ट इतना समझ लो सफिशियंट है। अगर मैलॉक से आपको एन बाइट एलोकेट करना पास किया करो, जस्ट एन मान लो एन का वैल्यू फाइव है, यहाँ पर आपके लिए एन भी पास करना पॉसिबल, एन मीन सम वेरिएबल नेम, एन पास किया अभी भी सोर्स कोड देखकर आपके लिए मेरे लिए बोलना पॉसिबल है इस केस में मैलॉक फंक्शन से कितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं, एन, एन का वैल्यू फाइव है, सिंपली वी कैन सी जस्ट फाइव बाइट्स। अगर एन का वैल्यू हंड्रेड है कोई भी बोल सकता है इससे हंड्रेड बाइट्स एलोकेट होंगे बेस्ड ऑन सोर्स कोड। तो अभी भी आपको सोर्स कोड वाइज क्या लग रहा है, स्टैटिक, राइट, बट सपोज दैट आपको पता है एन तो वेरिएबल है, जरूरी थोड़ी कि एन का वैल्यू डायरेक्टली असाइन हुआ एवरी टाइम, हो सकता है एन का वैल्यू मैंने कीबोर्ड से रीड करा लिया लाइक दैट। तो ये तो आप बता सकते हो कि एन का साइज क्या है, क्योंकि एन का डेटा टाइप इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो हियर साइज ऑफ एन इज टू बाइट अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर। लेकिन मेरा मेन डिस्कशन क्या है, व्हाट इज द साइज एलोकेटेड बाय दिस मैलॉक फंक्शन और हाउ मेनी बाइट्स एलोकेटेड बाय दिस मैलॉक फंक्शन। अगर फिजिकली यहाँ अवेलेबल है फाइव, तो कोई भी बोल सकता है मैलॉक करेंटली फाइव बाइट एलोकेट कर रहा है, लेकिन मैंने तो एन यूज किया है, एन मीन्स वेरिएबल, एक्सेप्टेबल है। जब एन का वैल्यू ही अपने को नहीं पता है, तो कभी भी बताना पॉसिबल है कि इस केस में मैलॉक फंक्शन कितने बाइट एलोकेट करेगा, नेवर, राइट। तो इसलिए एक प्रोसेस किस कैटेगरी में काउंट होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कैटेगरी में। सी में डायनेमिकली स्पेस एलोकेट कराना है, गो फॉर मैलॉक फंक्शन। सी प्लस प्लस में डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट कराना है, गो फॉर न्यू कीवर्ड। सेम है जावा में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कराना है, गो फॉर न्यू कीवर्ड। बट व्हाट अबाउट पाइथन, पाइथन में आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जस्ट बात करना चाहता हूं इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, राइट। सी और सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट कराना, दो केस होंगे, एलोकेशन एज वेल एज डी एलोकेशन। प्रॉपरली समझना इस प्रोसेस को, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है, तो डायनेमिक एलोकेशन के लिए आपके पास फंक्शन क्या, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक। लेकिन ये मैलॉक अपने आप कॉल होता है क्या, नहीं, जब तक आप सोर्स कोड में इसको राइट नहीं करोगे कभी भी कॉल होगा ही नहीं, राइट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैलॉक फंक्शन को कॉल करने के लिए या मैलॉक के थ्रू एलोकेशन परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जस्ट प्रोग्रामर, राइट। ये प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि मुझे करेंटली मैलॉक के थ्रू कितने बाइट एलोकेट कराना है, राइट। मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक एलोकेशन परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट प्रोग्रामर। सेम है डी एलोकेशन, मैलॉक से डी एलोकेशन कर रहे, तो सॉरी मैलॉक से अगर आपने एलोकेशन किया, तो डी एलोकेशन के लिए यूज क्या होता है, फ्री फंक्शन। ये भी आपने सुना होगा, प्रैक्टिकली यूज किया नहीं किया डजंट मैटर, ठीक है। फ्री फंक्शन का वर्किंग क्या है, जस्ट मेमोरी को डी एलोकेट करना। तो फ्री फंक्शन को कॉल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑल्सो प्रोग्रामर। बोल सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी स्पेस एलोकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोग्रामर, और डी एलोकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट प्रोग्रामर, राइट। सेम एज इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में एलोकेशन के लिए यूज क्या होता है, न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू एलोकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगेन प्रोग्रामर। डी एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डी एलोकेशन पर्पज, डी एलोकेशन पर्पज के लिए C++ ने कीवर्ड प्रोवाइड किया कॉल्ड एज डिलीट कीवर्ड, और इसके थ्रू डी एलोकेशन कराना पॉसिबल है, राइट, कहां C++ में। तो मैं जस्ट में एलोकेशन डी एलोकेशन मेरा ए इंटरेस्ट नहीं कि मैलॉक से हो रहा है न्यू से हो रहा है, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ C एंड C++ दोनों ही लैंग्वेज के अंदर एलोकेशन कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रोग्रामर। डी एलोकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑल्सो प्रोग्रामर, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, मुझे नहीं पता कि आपने सब कुछ प्रैक्टिकली यूज किया कि नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अगर बात की जाए, तो प्रोग्रामर मोस्ट ऑफ केसेस में एलोकेशन के लिए एलोकेशन लॉजिक्स जस्ट केयरफुली हैंडल करता है,
प्रोग्रामर एलोकेशन लॉजिक्स तो केयरफुली हैंडल कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोग्रामर डी एलोकेशन करना भूल जाता है, राइट, फॉरगॉट मोस्ट ऑफ। अगर आपने कभी मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन फॉलो किया हो तो आपको मोस्ट ऑफ केस में एलोकेशन तो कराते हो, लेकिन डी एलोकेशन के लॉजिक्स अक्सर हम भूल जाया करते हैं बिकॉज वी आर लेजी। इस अपना बिहेवियर जनरली कैसा रहता है, लेजी बिहेवियर, राइट। मतलब अगर आपको पैसों की जरूरत है तो सामने वाले को आप क्या पूछोगे, भैया पैसे मिलेंगे क्या, वो क्या बोलेगा सीधा सीधा अपना। चलो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, इसका 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। सपोज दैट टू फ्रेंड्स हैं, राइट, राहुल एंड मनोज। राहुल को क्या हुआ, एक दिन अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई किसी भी रीजन से, उसको 2000 रुपए की जरूरत थी लेकिन उसके पास नहीं थे। वो अच्छा खासा मतलब शाम का टाइम था, वो मनोज के पास गया, क्या मनोज उसका बेस्ट फ्रेंड था, मनोज के पास गया, मनोज से बोलता है मनोज मुझे आज 2000 रुपए की जरूरत है, कैसे भी करो कुछ भी करो मेरे लिए अरेंज करवा दो। मनोज ने क्या बोला, फर्स्ट रिप्लाई, जो नेचुरल बिहेवियर रहता है फर्स्ट रिप्लाई अक्सर सबका एक ही होता है, क्या राहुल अगर तुम मुझसे 2 घंटे पहले बोल देते मैं 2000 क्या तुम्हारे लिए 20,000 रुपए कर देता, लेकिन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले किसी और को दे दिए, अपने दूसरे फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए। फर्स्ट अप्लाई तो यही मिलता है, राइट, राहुल को भी यही दिया गया, लेकिन राहुल फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो भी काफी हटी पर्सन था, उसने कहा नहीं मनोज मुझे पैसे यानी आप चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब मेरी बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। फिर से उसका रिप्लाई क्या आया, नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है, कहीं से कर भी नहीं सकता हूँ। तो इस टाइप से मतलब, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को रियल में अच्छे फ्रेंड थे, ट्रू फ्रेंड थे, राइट। तो राहुल ने मनोज को जस्ट कन्विंस करने के लिए ट्राई किया, उसने कहा अगर तूने आज मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, जस्ट सुसाइड। हाँ तो ये वर्ड अगर कोई सुनेगा, अगर रियल में अच्छा फ्रेंड है तो फिर वो रियल में ट्राई करेगा कहीं ना कहीं से इसके लिए अरेंज करवाया जाए, ठीक है। मनोज ने बोल दिया ठीक है मैं कुछ करवाता हूँ, पता करता हूँ। उस केस में अब राहुल क्या बोलेगा, ठीक है करवा तो दोगे लेकिन मुझे कब तक कंफर्म कर दोगे, उसने कहा मैं शाम तक बताता हूँ। फिर वो क्या पूछता है, शाम को तो बता दोगे लेकिन शाम को भी कितने बजे तक बता दोगे, एग्जैक्ट टाइम दे दो। वो बोलेगा जस्ट मैं 6 बजे तक बताता हूँ, 6 बजे मुझे कॉल कर लेना। ऐसा हुआ, इस कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पर राहुल को रियल में जरूरत थी, मतलब उसकी नीड थी, तो नीड होने पर वो उसको बार बार कॉन्टेक्ट किया जा रहा था या बार बार उसको हिट कर रहा था, राइट। शाम को एग्जैक्टली सेम टाइम पर 6 बजे कॉल किया गया, पैसे भी मिल गए। अब क्या, जस्ट रिवर्स, वापिस राहुल अब कभी भी लाइफ में उस पर्सन को कॉल करके बोलेगा मुझे वापिस कब करना है, नहीं। हाँ अब कॉल कौन करेगा, राहुल की तो जरूरत खत्म हो गई, यहाँ से मनोज की जरूरत स्टार्ट हो जाती है। तो मनोज ने पूछा ठीक है भाई ले तो जा रहे हैं, वापिस कब करो, उसने बोल दिया मैं 8 दिन में कैसे भी आपको अरेंज करके वापिस दे दूंगा। 8 दिन का टाइम पीरियड ओवर हो गया, कभी भी राहुल वापिस उसको कॉन्टेक्ट करेगा क्या, नॉर्मली आपने देखा ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ जो ले जाता है वो कभी भी आगे हो के नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे आ गए आप वापिस ले लो, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, जरूरतें खत्म हो चुकी हैं, राइट। तो वहां पर फिर मनोज ने कॉल किया तो जस्ट वो परेशान करने लगा, उसने कहा ठीक है अभी तो नहीं मैं शाम तक बताता। जो हरकत है पहले मनोज ने राहुल के साथ की थी, अब जस्ट वही हरकत कौन करेगा, मनोज मनोज के साथ होना स्टार्ट हो गई, राइट। अब हुआ क्या, उसने भी शाम का टाइम दे दिया, शाम को 6 बजे 8 बजे कॉल किया, पता चला मोबाइल स्विच ऑफ। ऐसा ही होता है, तो सेम है, कहने का मतलब क्या, राहुल की जरूरत थी उसने, इसलिए उसने बार बार कॉन्टेक्ट किया। तो एलोकेशन प्रोग्रामर की जस्ट रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, अगर एलोकेशन नहीं कराओगे डेटा लॉस्ट होने का चांस होगा, ठीक है। किस रीजन से वो सब कुछ आगे देख लेंगे, जस्ट आप वैल्यू करके चलो, अगर एलोकेशन नहीं कराया तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, लेकिन डी एलोकेशन कंपलसरी नहीं होता है, उसके रीजन देखेंगे। प्रोग्राम मोस्टली एलोकेशन तो वो सक्सेस मतलब केयरफुली हैंडल करता है, लेकिन जैसे डी एलोकेशन की बात आती है तो वहां पर वो जस्ट अपना लेजी बिहेवियर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता है। तो इस बिहेवियर को जस्ट पाइथन डेवलपर ने प्रॉपरली एनालाइज किया, उन्होंने क्या बोला, अक्सर देखा प्रोग्रामर एलोकेशन तो सक्सेसफुली करा रहा है लेकिन डी एलोकेशन नहीं करा रहे हैं। तो पाइथन ने क्या किया, जिस टास्क को आप केयरफुली हैंडल कर रहे हो मींस एलोकेशन, तो एलोकेशन किसके हैंड में दे दिया, प्रोग्रामर के हैंड में। पाइथन में भी मेमोरी एलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रोग्रामर, लेकिन
जब डी एलोकेशन की बात आएगी तो पाइथन क्या बोलता है, आप तो जस्ट एलोकेशन करो, यूज करो, ठीक है। डी एलोकेशन मेरा टास्क है, डी एलोकेशन कौन करेगा पाइथन में, पाइथन इटसेल्फ मींस पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि सप्लाई करता है जीसी, जीसी मींस गार्बेज कलेक्शन, जो कि जावा के अंदर भी मॉड्यूल पाइथन के अंदर भी कॉमन है, ठीक है। पाइथन और जावा दोनों में डी एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, मतलब पाइथन क्या बोलता है, आपको डी एलोकेशन के लिए कभी सोचने की जरूरत है ही नहीं, ये सब कुछ तो मैं हैंडल कर लूंगा, बस आप तो केवल एज अ प्रोग्रामर एलोकेशन के लिए कॉन्सेंट्रेट करो। ये भी पाइथन का ग्रेट फीचर है। इस फीचर को नेम क्या दिया जाता है, जस्ट मेमोरी मैनेजमेंट और इनबिल्ड सपोर्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे अगर आप वन बाई में जितने भी इसके फीचर सर्च करोगे कभी खत्म होंगे ही नहीं, सफिशियंट है इतना। किसी का कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ सकते हो।